गुड इवनिंग ऑल माय डियर, आप सभी लोगों को हमारे तरफ से तहे दिल से स्वागत है, नमस्कार है। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैं एक गुड न्यूज़ बताने वाला हूँ कि हम लोग का जो CBT 1 का जो वहाँ पर NTPC का जो डेट वहाँ पर 7th फेज वाला जो था वो रुका हुआ था। तो संभावित अभी रेलवे ने वहाँ पर क्या कर रहा है कि वहाँ पर आप लोगों का जो है 2 जुलाई में पेपर वहाँ पर किया जा सकता है। जैसे डेट वहाँ पर संभावित कहा नहीं जा सकता है कि क्या है, वो कह रहा है कि 22, 23, 24, 25 इस तरीके से वहाँ पर आपका पेपर कराया जा सकता है। और अगर मुझे लग रहा है, देखिए मैं एक बात मैं बता रहा हूँ, मुझे अगर लग रहा है कि अगर स्थिति अगर मतलब एकदम बिल्कुल सही रहा, ठीक है, अगर ये कोविड का जो वहाँ पर असर है, अगर ये कोविड का असर जो एकदम बिल्कुल परफेक्ट रहा, मतलब परफेक्ट कहने का मतलब बिल्कुल सही रहा, कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं होगा, तो फिर ग्रुप डी का भी पेपर बहुत जल्द हो जाएगा। और ग्रुप डी समझ रहे कि ग्रुप डी एकदम हाहाकार वहाँ पर मचा के रखा है, 1 लाख की वैकेंसी वहाँ पर है और बच्चे लोग एकदम इतने लोग हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग सभी लोग तैयार रहिए, पेपर कभी भी कराया जा सकता है। सबसे बड़ी एक बहाना यहाँ पर सरकार को कोविड-19 का मिला है। तो चलिए किसी तरह अगर ये पेपर अगर 7th फेज वाला अगर वहाँ पर करा लेते हैं, अगर ये सक्सेस रहा तो ये मैं आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जुलाई 2 में है। और इसके बाद आप लोगों को स्पष्ट, अगर ये सक्सेस अगर रहा और सब कुछ अगर समय के साथ अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो आपका ग्रुप डी का भी बहुत जल्द वहाँ पर पेपर होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और केवल ग्रुप डी और केवल रेलवे वाले बच्चे को लोग वहाँ पर नहीं, जो भी SSC CGL और CHSL का भी जो भी वहाँ पर डेट पोस्टपोन्ड वहाँ पर हुआ है, आप सभी बच्चे को मैं बताना चाहूँगा कि ये मत समझना कि हम लोग के लिए नहीं है, आप सभी बच्चे लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया डेट निर्धारित SSC कर सकती है। जो भी वहाँ पर स्टेट लेवल का जो एग्जाम होगा, जिसका वैकेंसी का फॉर्म भरा गया होगा, चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं, उनका भी पेपर वहाँ पर बहुत जल्द हो सकता है। तो मैं भी भगवान करें सभी बच्चे लोगों के साथ बेस्ट हो, और मेरी कोशिश रहेगी बच्चों कि जैसे मैं आप लोगों के बीच में अभी रह रहा हूँ, थोड़ी इधर में डिसकंटिन्यू रहा, मैं इसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। लेकिन जो भी आप लोगों के साथ यहाँ पर दिक्कतें हुई हैं, इन सभी के बीच में आप लोगों के साथ मैं सदैव खड़ा रहूँगा, चाहे वो प्रैक्टिस को लेकर हो, चाहे वो फिर से वहाँ पर पढ़ाने को मामले को लेकर हो। तो फिर अधिक मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं मोबाइल से ही शूट करके मैं दे रहा हूँ। तो ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, जय हिंद। फिर जो भी होगा आप लोग मुझे बताना। धन्यवाद।